नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए एक न्यू अपडेट, एनपीसीआई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है और एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए हो सकती है यदि आप सभी इस समस्या से परेशान हैं और प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थंबनेल पर जैसा हमने दिखाया है कि जीरो डेज में, ओनली जीरो डेज में एनपीसीआई अपडेट हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और वन डेज में, ओनली 24 घंटों में एनपीसीआई अपडेट हुआ है। फिलहाल एक डेमो के तौर पर हम आपको समझा देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जाना है आधार की साइट पर, ये है आधार की वेबसाइट, माई आधार पर जाना है, चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। सबसे मस्ट है यहाँ एनपीसीआई एक्टिव का होना। लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा, आधार नंबर डालिएगा और कैप्चा फिल करके लॉगिन में ओटीपी पर क्लिक करिएगा। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, ओटीपी आ चुका होगा, ओटीपी को डालकर लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे बैंक सीडिंग स्टेटस लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ समझते हैं डेमो के तौर पर बैंक सीडिंग स्टेटस जो यहाँ दिखाई दे रहा है, माउस की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे वो यहाँ दिखेगा आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये बैंक सीडिंग स्टेटस जहाँ भी आपको लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर दिख जाता है, बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करना है और स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो स्टेटस आपके सामने है बैंक सीडिंग स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिख रहा है। यहाँ एनपीसीआई आपका 100% एक्टिव है, यदि इनएक्टिव है तो बैंक जाइए। वो बोलते हैं कि हमने एक्टिव कर दिया, 24 घंटों में हो जाएगा, 48 घंटों में हो जाएगा, लेकिन भरोसा मत करिए, फिर से आइए लॉगिन करिए। फ्रेंड्स, लॉगिन करके चेक करते रहिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बैंक सीडिंग स्टेटस देख लीजिए, एक्टिव होना चाहिए, बेहद मस्ट है बैंक सीडिंग स्टेटस यानी एनपीसीआई का एक्टिव होना। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे, भले ही बैंक से बोल रहे हैं कि हम 24 घंटे में करेंगे या 48 घंटे में करेंगे, जैसा कि मैंने अभी किया बोला, रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप आइए लॉगिन करिए, चेक करिए फटाफट, एक्टिव होना चाहिए। नहीं आ रहा फिर बैंक जाइए, फिर उनसे बोलिए कि सर हुआ नहीं अभी तक, आप कह रहे हो जाएगा 24 घंटे बट अभी तक नहीं हुआ, सर मुझे फॉर्म भरना है स्कॉलर का। अपनी परेशानी को बताइए, परेशानी को समझाने का प्रयास करिए दोस्तों, जिस भी बैंक में खाता है आपका, और फिर से आपको वो प्रयास करेंगे बैंक की तरफ से आपका एनपीसीआई एक्टिव होने का, फिर से आप आएंगे अब चेक करेंगे, जब तक आपका यहाँ एक्टिव ना दिख जाए वीडियो के माध्यम से तब तक भरोसा ना करिए। धीरे धीरे स्कॉलर का समय कम होता जा रहा है, प्लीज़ आप सभी लोग एक्टिव हो जाइए। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक पोर्टल पर एक्टिव ना दिखे तब तक आपको बैंक जाना होगा दोस्तों। जैसे ही पोर्टल पर एक्टिव दिख जाता है तो 100% एनपीसीआई वीडियो के माध्यम से एक्टिव हो जाता है, तो आप भरोसा कर लीजिए कि आपका एनपीसीआई एक्टिव है, बैंक की तरफ से हेडेक आपका खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं स्कॉलर की साइट पर, चूंकि स्कॉलर की साइट से भी आपको एनपीसीआई अपडेट करना होता है। मैंने आज खुद में एक प्रैक्टिकल हुआ है, मेरे साथ एक अनुभव मुझे मिला है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। 23/11/24 का फॉर्म था और 24/11/24 है, 24 घंटे के अंदर उसका स्कॉलर की तरफ से एनपीसीआई अपडेट हुआ। बैंक की तरफ से मैं पहले ही कैंडिडेट का चेक कर लेता हूं कि एनपीसीआई एक्टिव है, फिर मैं स्कॉलर की साइट से प्रयास करता हूँ। स्कॉलर की साइट से मैंने देखा है कि 23/11 वाला फॉर्म जो था वो 24/11 का अपडेट हुआ दोस्तों। और एक सबसे बड़ी अपडेट मुझे ये मिली है नॉलेज कि मैंने आज ही फॉर्म किया 24/11 को और आज ही उसका एनपीसीआई दोस्तों हो गया, और आज ही उसका प्रिंट आउट भी निकल आया जांच हेतु, और आज ही वो कॉलेज चेक कराने के लिए भी चला गया। कॉलेज से चेक करा के आएगा, कल उसको फाइनल प्रिंट दे दिया जाएगा यदि तुरंत जनरेट होता है तो, नहीं तो जब जनरेट होगा तो उसे कॉल करके बताया जाएगा, वो अपना प्रिंट आउट हमसे फाइनल ले जाएगा। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट मिली है वो 24 घंटे के अंदर एक कैंडिडेट की एनपीसीआई हुई है और एक का जो है तुरंत का तुरंत हुआ है दोस्तों। तो किसी किसी का एनपीसीआई तुरंत हुआ है आज और किसी किसी का 24 घंटे में हुआ है। और पिछले फॉर्म्स भी हैं मेरे पास जिन्हें 5 दिन हो गए हैं, किसी को 6 दिन हो गए हैं और किसी को 3 दिन हो गए हैं, किसी को 7 दिन हो गए हैं मेरे अंदाज से। तो वो जो एनपीसीआई नहीं हो पा रहा तो सर्वर में कोई ना कोई प्रॉब्लम से, इसके लिए जो स्कॉलर की साइड है हम पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर होगा, अल्पसंख्यक विभाग के लिए अलग है, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है, एससी एसटी जनरल के अलग हेल्पलाइन नंबर है,
पोर्टल पर दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट अस स्कॉलर की साइट पर जाएंगे, वहां से मिलेगा, कॉल करिए, ज्यादा समय हो रहा है, समाधान होगा। फ्रेंड्स ये है वो फर्स्ट प्रूफ आपके सामने, गोले से मैंने हाईलाइट से कर रखा है, माउस की सहायता से देख सकते हैं, 30/11/24 2:04 PM का ये प्रिंट आउट है। रजिस्ट्रेशन तो फ्रेंड्स जल्दी हो जाता है, बट उसके कई देर बाद जो है फॉर्म फिल होता है, बट हम आपको पहले का ये दिखा दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन 30/11/24 2:04 PM का है। अब हम आपको वो प्रिंट दिखाते हैं जो प्रिंट जेनरेट हुआ है, इसी डेट में हुआ है और कुछ टाइम बाद, सॉरी फ्रेंड्स, जो है नेक्स्ट डेट में हुआ है। ये एनपीसीआई 30/11/24 का है और जो अब जो प्रिंट आउट जेनरेट हुआ है वो 24/11/24 को हुआ, यानी कि 24 घंटे के अंदर इस बंदे की, इस कैंडिडेट की एनपीसीआई अपडेट हुआ है। चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक करके जरूर चेक करना है दोस्तों, भले ही 3 दिन हो गए हो, 4 दिन हो गए हो, या 1 हफ्ता हो गया हो, जब भी लॉगिन करेंगे यदि एनपीसीआई ऑटोमेटिक आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो चेक एनपीसीआई स्टेटस पर जरूर क्लिक करना है जरूर, तभी आपका एनपीसीआई फ्रेंड्स अपडेट होता है। तो यहां जो प्रूफ है फर्स्ट प्रूफ, जैसे कि यहां रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप यहां देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन की संख्या जो मैंने यहां थोड़ा ओपन किया है, बाद बाकी सिक्योरिटी एजेंट से हाइड किया है, 49, इस नंबर को नोट करें, आप देख सकते हैं। अब ये 49 जो प्रिंट दिखाएंगे हम जांच वाला, उसमें भी 49 आएगा और जो डेट है वो इसमें 23/11 है, उसमें 24/11/24 आएगा, इस बात से प्रूव हो जाएगा कि ये 24 घंटे में एनपीसीआई हुई है। फिर हमको दिखाएंगे 0 डेज में जिस दिन किया है फॉर्म, यानी कि आज हमने किया 24/11 में, एक फॉर्म और है और आज ही वो एनपीसीआई हो गया, यानी ओनली 0 डेज में एनपीसीआई अपडेट हुआ है दोस्तों, तो वो भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो चलिए हम पहले फर्स्ट प्रूफ को पूरा करते हैं, फिर आपको दूसरा प्रूफ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं यह प्रिंट सिस्टर सदाम ने जमा करने हेतु मान नहीं, यानी कि जांच हेतु प्रिंट है, जो स्लिप जनरेट हुई थी वो 23/11/24 की थी और जो प्रिंट जनरेट हुआ है एनपीसीआई होने के बाद वो 24/11/24 का है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट में 49 है जो आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या सिक्योरिटी रीजन से बाद बाकी डिटेल को हेड किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन में भी 49 था और जो जांच हेतु प्रिंट एनपीसीआई की बात निकलता है उसमें भी 49 है, यानी कि दोनों में सेम है, उसमें 23/11/24 था, इसमें 24/11/24 को प्रिंट किया गया है। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ यहाँ सिद्ध हो जाता है कि यहाँ एनपीसीआई 24 घंटे में हुआ है, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है और डेट जो तो उसमें 23 थी इसमें 24 है, यानी कि एक 24 घंटे में ये एनपीसीआई यहाँ पर डन हुआ है। तो कहते हैं 49 यहाँ था, रजिस्ट्रेशन में भी था, जांच हेतु प्रिंट में भी था और यहाँ पर 49 इसमें भी था। तो दोस्तों यहाँ पूर्णतया ये सिद्ध हो गया है फर्स्ट प्रूफ कि हाँ एनपीसीआई जो 23/11/24 को थी वो 24/11/24 को, यानी कि 24 घंटे में अपडेट हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं विद एनपीसीआई को मिलाकर। इस प्रकार यहाँ फर्स्ट प्रूफ सिद्ध हो जाता है कि एनपीसीआई 24 आवर्स में हुआ है, बट सभी का नहीं दोस्तों। अब हम आपको दिखाएंगे ओनली 0 डेज में एनपीसीआई भी अपडेट हुआ है, जो हमें अपडेट मिला है, नॉलेज मिली है, उसका वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। लेकिन जिसका नहीं हो पा रहा, जैसे समय हो गया है, तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करे, चेक एनपीसीआई स्टेटस पर बार बार क्लिक करके चेक करते रहें, हर 2 दिन में 3 दिन में लॉगिन करके चेक एनपीसीआई स्टेटस पर चेक करना अति आवश्यक है, बैंक से भी एनपीसीआई एक्टिव होना भी अति आवश्यक है दोस्तों। ऐसे में आप कैंडिडेट मान लीजिए बहुत सारे होते हैं, किसी किसी का 0 डेज में हो रहा है एनपीसीआई, किसी किसी का 24 घंटे में हो रहा है, तो किसी किसी का 2-3 दिन में हो रहा है, ऐसा भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो लेकिन चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक करके जरूर चेक करना है और बैंक से भी एक्टिव होना आवश्यक है एनपीसीआई आपका, जैसा कि वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल और लाइव नॉलेज दोस्तों। चलिए अब दूसरे प्रूफ की तरफ चलते हैं कि 0 डेज में एनपीसीआई कैसे अपडेट हुआ है दोस्तों। फ्रेंड्स हमने दूसरा प्रूफ ओपन कर लिया है, मैंने यहाँ गोले से हाईलाइट किया है, माउस की सहायता से देख सकते हैं, 24/11/24 का प्रिंट है रजिस्ट्रेशन का, 3:24 PM को हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उसके बाद जो प्रोसेस किया था तो उसमें भी समय लगा, उसके बाद एनपीसीआई में समय लगा
और यहाँ देख सकते हैं नीचे भी 24/11/24 का प्रिंट है, और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट का भाग है वो 37 है। इस नंबर को नोट करें, यहाँ देख सकते हैं माउस की सहायता से मैंने गोले से हाईलाइट किया 37 को, ठीक है। अब ये 37 आपको जांच प्रिंट में मिलेगा और लॉगिन करके चेक करेंगे वहां भी मिलेगा, और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये ओनली 0 डेज में NPCI हुआ है स्कॉलर की साइड से। बैंक में तो एक्टिव है ही, अब स्कॉलर की साइड से भी एक्टिव हो गया। तो फ्रेंड्स NPCI जैसे हुआ था इसका, वैसे यहाँ 24/11/24 को ये प्रिंट हो गया था जांच हेतु, और देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ग्लाट में 37 है, NPCI होगा तभी जांच हेतु प्रिंट निकलता है। तो आपने देखा रजिस्ट्रेशन में भी 24/11 था और इसमें भी जांच हेतु प्रिंट में भी 24/11 है। अब हम इसको लॉग इन करेंगे पोर्टल को, वहां भी 37 होगा और NPCI वहां पर भी डन होगा, जांच हेतु प्रिंट मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रूफ के लास्ट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर नजर डालेंगे, देखिए 37 लगा हुआ है, गोली से मैंने हाईलाइट कर रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर पर, रजिस्ट्रेशन में भी 37 था, जांच हेतु प्रिंट में 37, और लॉगिन करके कैंडिडेट का जो पोर्टल है उस पर भी 37 यहाँ पर है। 3:24 PM का रजिस्ट्रेशन प्रिंट था 24/11/24 को, और जो जांच हेतु प्रिंट निकला है वो 3:57 PM पर, लगभग 33 मिनट के अंदर 0 डेज में NPCI डन हुआ और जांच हेतु प्रिंट भी निकला। देख सकते हैं यहाँ NPCI डन है और प्रिंट भी यहाँ जनरेट हो चुका है, सेम डेट में और सेम दिन में सब कुछ उसी दिन हुआ, और हाल की हाल आधा घंटे में सब कुछ NPS वगैरह क्लियर हो गया। अब ये सब जल्दी जल्दी कैसे हुआ, तुरंत का तुरंत NPCI कैसे हो गया, कैसे प्रिंट आउट निकला आया, थोड़ा समझने का प्रयास ही करते हैं। हो सकता है सर्वर में कोई अपडेट चल रहा हो, सर्वर मेंटेनेंस चल रहा हो, तो किसी किसी में समय लग रहा हो और किसी किसी का जल्दी हो जा रहा हो, ठीक है। मेरे पास भी कुछ फॉर्म पेंडिंग हैं, उनके लिए हेल्प नंबर से कॉल करनी होती है, आप भी कॉल करिए हेल्प नंबर से, कॉन्टेक्ट अक्ष में जाके वहाँ से अपना अलग अलग विभाग के नंबर वहाँ दिए गए हैं स्कॉलर की साइट से, कॉल करिए और सबसे पहले बैंक में देखिए आपका NPCI स्टेटस एक्टिव होना चाहिए जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद स्कॉलर की साइट में आना है, ये जो NPCI मैंने गोला बना रखा है इस पर आपको क्लिक करना है, और चेक NPCI स्टेटस पर भी क्लिक आपको जरूर करना है, हर बार करना है, जब भी लॉगिन करना है उस पर क्लिक जरूर करना है। 2 दिन लगातार करिए और कम से कम दिन में 3-4 बार करिए, और उसके बाद आप 2-3 दिन लगातार करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 2-3 दिन बाद आप फिर से लॉगिन करिए, या तो आपको NPCI मिलेगा डन सर्वर की अपडेट के थ्रू, नहीं तो आपको चेक NPCI स्टेटस पर क्लिक जरूर करते रहना है दोस्तों। तो ये जो चेक NPCI स्टेटस होता है, मैंने एक अलग कैंडिडेट का फॉर्म निकाला जिसकी NPCI नहीं हो रही है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ चेक NPCI स्टेटस पर जब भी लॉगिन करेंगे दोस्तों यहाँ जरूर क्लिक करना होगा। देखिए 2-3 दिन लगातार कर लीजिए या फिर 2-3 दिन गैप कर लीजिए फिर कर लीजिए, तो NPCI ऑटोमेटिक मिलेगा, या फिर चेक NPCI स्टेटस पर क्लिक करके NPCI आपका अपडेट हो जाएगा दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।